सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कौन किस काबिल है ये कौन जानता है, किसने कुछ किया ही नहीं, जिसने कुछ किया ही नहीं उसे कौन पहचानता है। कौन किस काबिल है ये तो वक्त बताता है, जो वक्त की सही कद्र करना सही से जानता है। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। एक छोटी सी दुआ, जिन लम्हों में आप खुश हो वो कभी खत्म ना हो। आज का पंचांग 20 मार्च 2022 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 10:06 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्र नामक नक्षत्र रात्रि 10:40 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:04 से 6:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 11:11 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मेष राशि 20 मार्च 2022 दिन रविवार, आप अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों से परेशान हैं, लेकिन अभी आपको कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। सबसे अच्छा यही है कि आप शिकायत करना छोड़कर अपने कामों को पूरा करें। जितनी जल्दी पूरा करेंगे उतनी ही जल्दी बोझ कम होता जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपको इसे लापरवाही से पूरा करना है। अपना काम कुशलता से पूरा करें और आपको भविष्य में इसका फल अवश्य मिलेगा। आज आप बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। नए नए क्रिएटिव विचार भी आएंगे और उन पर अमल करना फायदेमंद भी रहेगा। दोपहर बाद किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है। अगर आपकी कोई समस्या है तो अपने मित्रों से जरूर शेयर करें। पुरानी गलतियां सामने आने से मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आज की होने वाली तकलीफ से भी गलतियों को सुधारने का मन बनेगा। लोगों के साथ वाद विवाद होने की आशंका बन रही है। बात करते समय पिछली बातों का जिक्र ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। करियर से संबंधित कंफ्यूजन की वजह से अवसर को स्वीकार करने में देर लग सकती है। रिलेशनशिप संबंधित नाराजगी बढ़ सकती है। सेहत में बदलाव देखने के बाद भी चिंता बनी रहेगी। सावधानियां, कुछ समय आत्म मनन में लगाएं। इससे आपको महसूस होगा कि कभी कभी आपका गुस्सा और जिद दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है। दोस्तों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें तथा गतिविधियों पर नजर भी रखें। हालांकि आप समझदारी से परिस्थितियों को अनुकूल कर सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता आने की संभावना है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में वादा किए हैं तो उसे जरूर निभाएं। आपके लिए खुशियां मनाने का समय है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत खुशी मिलेगी, जैसे बेहतरीन साथ का एक और वर्ष पूरा होने या परिवार में नए मेहमान के आने की खुशी। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है उनके रिश्ते को परिवार वालों की ओर से जो काफी समय से इस रिश्ते का विरोध करते आ रहे हैं उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। अपना बेहतर प्रयास डालें। आपने दूसरों का समर्थन किया है परंतु वे अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, लेकिन वे आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते न जानते और आपके प्रयासों की सराहना करना वे भूल गए। आप ऐसे लोगों के बारे में चिंता न करें और अपने प्रयास जारी रखें। अपने कार्य के प्रति अपनी भावनाओं को न कि उन लोगों के लिए जो आपको महत्व नहीं देते। व्यवसाय से संबंधित पेमेंट आदि कलेक्ट करने में ध्यान दें क्योंकि इस समय ग्रह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। कमीशन तथा बीमा संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थिति बन रही है, परंतु कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से परेशानी भी महसूस हो सकती है।
बात करते हैं सेहत की। तनाव और मानसिक थकान को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तनाव और मानसिक थकान को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। आज रोड पर छोटी मोटी दुर्घटना होने की भी आशंका बन रही है, इसीलिए गाड़ी चलाते हुए या गली पार करते हुए काफी सावधान रहें। यहाँ तक कि अगर आप सावधान भी हैं तो भी आपको औरों की लापरवाही से चोट लग सकती है, इसीलिए एक रक्षात्मक तरीका अपनाएं। आज थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी रखने से आप बहुत बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।